हेलो स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो अब हम आपके एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, वहां पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे हम सबट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इन फॉलोइंग फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, उनमें फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों का एलसीएम देखो क्या है, 13 और 13 का एलसीएम 13 ही होगा, तो कॉमन बेस बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा, ऊपर जो सेम वैल्यू है वही हो जाएगी 5, फिर है माइनस, फिर है 2, 5 माइनस 2 आप जानते हो कितना होता है 3, दैट विल डिवाइड बाय 3 अपॉन 13 विल बी आंसर। चलिए बी पार्ट देखते हैं बेटा। इसका बी पार्ट में क्या है, 7/10 माइनस 3/5। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है दोनों जो बेस है हमारे, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम क्या है। 10 आएगा 5/10 का एलसीएम, तो 5/10 से किया सबसे पहले डिवाइड, तो 5 दैट बिकम 5, ये पर 5 दैट विल बिकम 1/1। ठीक है, तो 5 को जो 10 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स, इसका एलसीएम क्या हो गया 10 हो गया। इट मींस दोनों बेसिस को हमें 10 बनाना है, तो दोनों में 1 को ऑलरेडी 10 है और 5 को हमें 10 बनाना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 माइनस 3/5 को मुझे 10 बनाना है, 5 को 10 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए that will become 7/10 minus 3 × 6 divided by 5 × 10। तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो बस कॉमन आ जाएगा 10, 7 minus 6, 7 minus 6 1 divided by 10, this will be your answer। ये हमारा बी पार्ट। ठीक है, ओके सी पार्ट देखते हैं बेटा। फोर एंड फाइव बाय 12 माइनस 1 and 3/8। तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, और आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन में हम इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस तो इम्प्रॉपर में ही करेंगे। सबसे पहले देखिए, तो 12 4 48 + 5 53 डिवाइड बाय 12 माइनस 8 1 8 + 3 11 बाय। अब दोनों क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों बेसिस का क्या लेंगे एलसीएम। अब सिंस LCM of 12 and 8 is 24. 8 और 12 का LCM बेटा देखो, 2 से दिया 4, 6 अगेन 2 से दिया 2, 3 फिर 2 से दिया 1, 3 फिर 3 से दिया 1, 3 × 6 = 12, 12 × 24। 24 है, इसमें दोनों बेसिस को मुझे 24 बनाना है। 53/12 को मैं 24 बनाना चाहता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 × 24 होता है माइनस 11/8 है, अब 11/8 को 24 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। ठीक है, तो 53 × 106 हुआ डिवाइड बाय 12 × 24 माइनस 11 × 3 = 33 हुआ डिवाइड बाय 8 × 3 = 20। अब दोनों बेस देखो सेम हो चुके हैं, बस कॉमन, ऊपर 106 माइनस 33। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा 373/20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
की पार्ट पर ध्यान देते हैं, डी देखो, इलेवन बाय नाइनटीन माइनस फाइव बाय नाइनटीन माइनस थ्री बाय नाइनटीन, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन है तो नहीं है कोई, नहीं है। दूसरा तीनों के बेस क्या है, सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, एलसीएम 19 19 19 का 19 ही होगा, तो तीनों का कॉमन ले लो राइट। ऊपर क्या है, इधर माइनस फाइव माइनस थ्री, फिर अब देखो 11 माइनस फाइव, सबसे पहले 11 माइनस फाइव करेंगे तो 11 माइनस फाइव कितना हुआ, सिक्स माइनस थ्री बड़ा ही है क्योंकि माइनस 11 माइनस फाइव सिक्स हुआ, माइनस थ्री बड़ा है 11 19 सिक्स माइनस थ्री 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 बड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। ई पार्ट देखो बेटा, वन बाय टू माइनस वन बाय फोर माइनस वन बाय एट, तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। बेस क्या है, टू फोर एट, तो टू फोर एट का एलसीएम एट होगा, सिंस एलसीएम ऑफ टू कॉमा फोर एंड एट इज एट, कैसे देखो टू से किया वन टू फोर, फिर टू से किया वन वन टू, फिर टू से किया वन वन, तो टू टू जा फोर फोर टू जाए एट हो गया एलसीएम, देयरफॉर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 by 2, 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से माइनस 1 by 4 है, 1 by 4 को 8 में कन्वर्ट करना है 4 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 2 होगा, 1 by 8 ऑलरेडी है 18, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बन गया 4 डिवाइड बाय 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 8 माइनस 1 बाय 8 ठीक है, तीनों का कॉमन लिख लेंगे 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1 बाय 8, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये ई पार्ट। चलिए एफ पार्ट देखते हैं, तो भैया यहां पे सारे बेटा क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले इन प्रॉपर में ले जाते हैं, 33 डिवाइड बाय 4 बन जाए 4 प्लस 3 7 बाय 4 माइनस 2 बन जाए 2 प्लस 1 3 बाय, अब सभी प्रॉपर में आ गए, अब बेसिस का क्या लो एलसीएम, तो 10 4 2 का एलसीएम क्या होता है 20, 2 से किया 1 2 5, फिर 2 से किया 1 1 5, फिर 5 से कहेंगे 1 1, तो क्या आ गया 5 टू जा 10 10 टू जा 20, तो 20 आ गया एलसीएम, क्या लिखेंगे सिंस एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 10 इज 20, देयरफॉर मतलब बेस सारों को क्या करना है 20 में कन्वर्ट करना है ठीक है, 33 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे माइनस 7 बाय 4, अब देखो 4 को 20 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस थ्री बाई टू, टू को 20 में कन्वर्ट करना तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 33 टू जा 66 डिवाइड बाय डायरेक्टर को 20, 75 जा 35 डिवाइड बाय 45 जा 20, 3 10 जा 30 डिवाइड बाय 20, तीनों के वैसे सेम हो गए, बस सेम लिख लीजिए 20, तो 66 माइनस 35 माइनस 30, मेरी बात सुनिए, 66 में से 13 5 गए, 31 31 में से 30 गए, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा 20, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। तो ये आपका हमने कर लिया है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।